हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल राइट डायरेक्शन एकेडमी। मैं विकास पारेषर, एक्स साइंटिस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मैं आपके सामने लेके आया हूँ ट्रायंगल का चौथा पार्ट। बच्चों, मैंने आपको ट्रायंगल जो बताया था उसमें हमने अब तक तीन प्रॉपर्टी पढ़ी है ना। पहली प्रॉपर्टी, सम ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। दूसरी प्रॉपर्टी, डिफरेंस ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। तीसरी प्रॉपर्टी, सम ऑफ द ऑल एंगल इक्वल टू 180 डिग्री पाई रेडियन और 200 ग्रेड। अच्छा, चौथी प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बता दी थी लास्ट क्लास में, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी थी कि बच्चों, इसमें एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। चलिए आज मैं पांचवी प्रॉपर्टी से बताता हूँ, ठीक है। एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे मैं कल ही में एक बच्चा मिला, बड़ा रोते हुए मिल रहा, और मुझे यहाँ दिल्ली में हर वीक एक बच्चा रोते हुए जरूर मिलता है। रोते मतलब डिप्रेशन, कि सर मैं कैसे कर पाऊँगा, मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, मैं तो गाँव से हूँ, सर मैं तो कॉमर्स का हूँ, मैं तो आर्ट्स का हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। बच्चों, मैं आपको बात क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपने खुद को कंपेयर किया किसी और से तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। मैं जब दिल्ली में आया था तो मैंने देखा कि यार भाई, 3 साल में प्राइवेट जॉब करके आया। मैंने कहा यार मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, मेरे साथ वाले इतना ज़्यादा पढ़ते हैं, और कुछ तो फ्रेशर आए थे जो कि बिल्कुल लेटेस्ट पढ़ के आए थे। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैंने मेडिजी ज्वाइन किया। अगर मैं उस समय डर जाता कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, मैं सब भूल चुका हूँ, तो कभी कुछ नहीं होता। ओके, तो इसलिए कंपेयर मत करो, बस आपको जो मैं बताया है वैसे ही पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। एक कवि दुष्यंत की एक लाइन से मैं स्टार्ट करता हूँ, आज मैं अपनी लाइन नहीं सुना रहा। उन्होंने बोला था कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। ओके, कुछ भी कर सकते हो, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस एंड विल पावर होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं बच्चों आपको आज पांचवी प्रॉपर्टी से स्टार्ट करता हूँ। मैंने फिर बताया मैं आपको इजी भी मैथ्स पढ़ाऊंगा, हार्ड मैथ्स भी पढ़ाऊंगा, बट मेरी मैथ्स होती है आसान, सीधी सीधी, इधर उधर नहीं। ओके, और शॉर्ट टेक्स्ट तो मिलेंगे, पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे। 1.5 प्रॉपर्टी लगभग बहुत सिंपल है, सबको पता है कि द साइड अपोजिट टू मैक्सिमम एंगल इज मैक्सिमम एंड द साइड अपोजिट टू मिनिमम एंगल इज मिनिमम। अधिकतम भुजा के सम्मुख भुजा अधिकतम होती है और न्यूनतम भुजा के सम्मुख भुजा न्यूनतम होती है। जैसे अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें चलो ये एंगल को मैं ले लेता हूं कुछ भी 80 डिग्री है ना, दिस एंगल इज 60 डिग्री। आपको पता है ये एंगल कितना होगा, 40 डिग्री। तो आप कह सकते हो कि इस ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल बच्चों कौन है, ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। वैसे मैं कैपिटल लेटर लिख दूँ तो एंगल को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर एंगल सबसे बड़ा है तो उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी, स्मॉल ए सबसे बड़ा होगा, एंगल उसके बाद बी साइड होगी और उसके बाद सी साइड होगी, ठीक है। कितनी सिंपल बात है, पर इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, हर चीज़ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि इस ट्रायंगल में अगर दो एंगल सेम हो जाए ना, फॉर एग्जांपल ए बी सी, मैं आपको ये बोलूँ कि नहीं यार ये दो एंगल सेम हो गए है ना, ये हो गया बच्चों 40 डिग्री, ये हो गया 40 40, कितना हो गया 80, तो ये कितना हो गया 100 डिग्री है ना, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो जैसे ही दो एंगल सेम तो इनके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, सेम, और ये कहलाएगा आइसोसेलिस ट्रायंगल या फिर सम द्विबाहु त्रिभुज। तो ये साइड बी, ये साइड सी, ये साइड ए, मैं कह सकता हूँ। अच्छा, एक और बात, ये बी और सी साइड होगी वो ए साइड से छोटी होगी, क्योंकि ये 40 डिग्री के सामने वाली साइड है और ये 100 डिग्री के सामने वाली साइड है। तो आप बोल सकते हो ए ग्रेटर होगा और इसमें बी और सी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, तीनों एंगल सेम हो जाएंगे तो सबको ही पता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, और तीनों एंगल सेम तभी हो सकते हैं जब सारे एंगल कितने होंगे 60 डिग्री, और इसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। तो इसमें तो हम कह सकते हैं तीनों साइड बराबर होगी। तो बात बहुत सिंपल सी है, पर इसमें भी क्वेश्चन आता है। मैंने फिर बताया ये सब प्रॉपर्टी को मैं आगे यूज में लूंगा, है ना, आगे जो क्वेश्चंस होंगे उनमें ये सब प्रॉपर्टी काम आएगी। अभी मैं फिलहाल दो छोटे क्वेश्चंस बताता हूं जो इस प्रॉपर्टी पे बेस पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन है ना, दोनों ही आपके एसएससी में आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन सीडीएस में पूछे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एसएससी में आया था कि इन ट्रायंगल एफजीएच है ना, इफ ट्रायंगल एफजीएच इज आइसोसेलिस ट्रायंगल, आइसोसेलिस ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा बच्चों देखो, है ना, ये मैंने जो क्वेश्चन लिखा है इसमें ये कह रहा है कि आइसोसेलिस ट्रायंगल है एफजीएच, ठीक है, एफजी इज लेस देन 3, ये 3 से लेस है, ठीक है, और जी एच इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू,
ठीक है। अच्छा यहाँ पे मोर ओवर ये प्रॉपर्टी का ऐसा कोई खास यूज़ नहीं है, पर मैं आपको ये सिर्फ बता रहा हूँ, यहाँ पे ना हमने प्रॉपर्टी नंबर 1.1 का ज़्यादा काम है। कैसे? कि आपको पता है कि ट्राइंगल में दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है, ये लेस देन 3 है, इसको 2 मान लो, चलो 2 मान लो, एज्यूम 2 मान लो। तो चलो मान लेता हूँ ये 2 है, ये 8 है, तो ये भी कितना होगा? 2। अगर मैं मान लूँ कि ये दो साइड इक्वल है तो ये भी क्या होगा? 2, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब दो साइड इक्वल। ठीक है, अभी मैंने बताया आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं और दो साइड इक्वल होता है, तो दो साइड इक्वल। ठीक है बच्चों, मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के टिपिकल क्वेश्चन आपको थ्योरम्स के बाद पढ़ाऊंगा, बट इसमें प्रॉब्लम है, 2, 2, 8 से ट्राइंगल बन ही नहीं सकता, क्योंकि सम ऑफ टू साइड कितना हो गया? 4, और ये 8 से लेस है, जबकि क्या होना चाहिए? ग्रेटर। तो ये हमने जो माना वो गलत है। अब चलो ये मान के चलते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये दोनों नहीं, चलो इन दोनों को इक्वल करके देखते हैं, इसको इससे इक्वल करते हैं, चलो इसको मान लिया 8। अब ठीक है, एक साइड 2, एक साइड 8, एक साइड 8, ट्राइंगल बन पाएगा? बिल्कुल बनेगा। 2 + 8 tan ग्रेटर है? बिल्कुल। 2 + 8 tan ग्रेटर है? 8 + 8 16 ग्रेटर है। तो इस तरह बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इस प्रॉपर्टी पर, है ना। देखो ये आपके CGL में पूछा गया था 2014 में। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 140 डिग्री। चलो इसमें मैंने लिख दिया एंगल A और एंगल B इक्वल टू है 145 डिग्री, आपको दे रखा है, ठीक है बच्चों। और इसमें एंगल C प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, तो आपको बताना है कौन सा रिलेशन होगा। अच्छा देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो रिलेशन दे रखा है वो साइड्स में रिलेशन है, और ये क्या है? एंगल्स। अब भाई एंगल देखकर साइड में रिलेशन कब कर पाओगे? जब आपको एंगल्स पता होंगे। तो आपको इस ट्राइंगल में आपको तीनों एंगल जानना है, और तीनों एंगल में वही है, जो मैक्सिमम होगा उसके सामने वाले साइड मैक्सिमम, जो मिनिमम होगा उसके सामने वाले मिनिमम, और अगर दो एंगल सेम है तो उनके सामने वाले साइड्स इक्वल होगी, तो बस वही निकालना है। और आप बोलोगे सर मैथ्स में पॉसिबल तो नहीं है कि दो इक्वेशन है और तीन अननोन है, अननोन कौन? तीन ए बी और सी। आपके पास एक और इक्वेशन है, ए प्लस बी प्लस इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, वी हैव द वन रिलेशन कि एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 180 डिग्री। ये तो अपनी बेसिक प्रॉपर्टी है। अच्छा आप देखो इधर से सी बी, मैं इसको ऐसा करता हूँ, एक बी और लिख देता हूँ, सी एंड बी, यहाँ पर भी दिख रहा है क्या बच्चे? सी एंड बी, सी एंड बी में बी जोड़ने पर 180 आ रहा है, और सी एंड बी में ए जोड़ने पर 180 आ रहा है। मतलब क्या मैं कह सकता हूँ दोनों इक्वल हैं? आप ऐसा नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, तीन इक्वेशन है, यहाँ ए प्लस बी की वैल्यू 145 यहाँ पे रख दो तो सी आ जाएगा सीधा। मैं तो आपको सिंपल बता रहा हूँ, पहले लुक में ही आप बता सकते हो कि इस क्वेश्चन में जब दे रखा है बी प्लस सी प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, और आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, इट मीन्स क्या हो गया बच्चों? इस दोनों से मैं कह सकता हूँ कि इस क्वेश्चन में ए बराबर बी है। ठीक है, ए बराबर बी है तो यहाँ पे पुट कर दोगे आप, यहाँ से पता चल गया आपको 2a इक्वल टू 145 डिग्री, और मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि a इक्वल टू होगा 2 से डिवाइड कर दो, 72.5 डिग्री। अच्छा a 72.5 डिग्री है, ठीक है बच्चों, तो a की वैल्यू आ गई 72.5, और आपको पता है a और b दोनों इक्वल है। अब कुछ नहीं ना, a प्लस बी की वैल्यू आपको पता ही है 145, तो यहाँ पे लिख दो तो c आ जाएगा, है ना, c कितना आ जाएगा? 180, और a प्लस बी की 145 रख दो तो ये हो गया -145। ठीक है, बताओ कितना आ गया? 35 डिग्री। ठीक है, तो कुछ खास नहीं है। अब देखो मैंने क्या बताया कि इस ट्राइंगल में आपने ये निकाल लिया कि एंगल A है आपका B, A है 72.5, और B भी कितना है बच्चा? 72.5, मतलब दोनों का सम 145, और C कितना है बच्चा? 35 डिग्री। तो अभी मैंने बताया कि साइड, अब आप कह सकते हो कि ए के सामने वाली साइड कौन है? बी सी, और बी के सामने वाली साइड कौन है? ए सी, ये ग्रेटर होगा, इक्वल होगा, और ये किससे ग्रेटर होगा? 35 के सामने वाली साइड ए बी से ग्रेटर होगा। बस इसमें से आप चेक करो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, ना आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है आपका सी ए, पहला ऑप्शन है सी ए इक्वल टू सी बी, नहीं ऐसा नहीं है। दूसरा ऑप्शन है सी ए इज लेस, नहीं ग्रेटर है, बी सी इज लेस, ये भी ग्रेटर है, सी ए इज ग्रेटर देन ए बी, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। चलिए इसमें हम और क्वेश्चन देखेंगे इसमें आगे प्रॉपर्टी से, आई होप सो कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा ये आसान प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा, थोड़ा मुश्किल होगी, पर आप पहले यहाँ तक पूरे क्वेश्चन अच्छे से सीखें। ठीक है, आई होप सो आपने एंजॉय किया, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सारे ग्रुप्स में जाके इसको लाइक जरूर करें, और कमेंट्स करें जो भी आपको प्रॉब्लम हो या कुछ और भी पढ़ना हो आप जरूर कमेंट्स करें। ठीक है, बेल आइकन को दबाओ जिससे आपको मैं अपडेशन दे पाऊँ। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, बाय।